नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। कई देश 90% डूब गए, चारों ओर हाहाकार, अब होगा असली तांडव। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व में जो राष्ट्र हैं वो लगातार डूबते चले जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम लगातार आपको समझा रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से जल तांडव आने वाला है, तो आज हम बात करने ये जा रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व के देश धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे। देखिए, हमने आपको पहले भी समझाया है कि आने वाले समय में जो राष्ट्र आज जहां पर है वो वहां पर नहीं रहने वाला है। देखिए, लगातार जो ध्रुव है वो बदल रहे हैं। वैसे यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि 10,000 वर्ष बाद ये ध्रुव जो है अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, जब ये लगातार अपना स्थान परिवर्तित कर रहे होंगे, उस दौरान होगा ये कि बहुत से ऐसे राष्ट्र होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं समय के साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि जलमग्न हो जाएंगे, यानी कि ये जो राष्ट्र होंगे वो जल के भीतर समाहित हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको कुछ वीडियो में समझाया भी था कि अमेरिका किस प्रकार से डूबने वाला है, रूस किस प्रकार से डूबने वाला है, चीन के कुछ हिस्से कैसे डूब जाएंगे, तो सारी बातें जो है हमने आपको पहले बताया है और समझाया है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जल तांडव की भूमिका रहने वाली है, जल तांडव अपना पूरा प्रकोप दिखाने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो राष्ट्र होंगे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जल के भीतर समाहित होते चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बाद। तो देखिए, चंद्र ग्रहण के बाद बात कर रहे हैं हम 13 सितंबर के बाद। आप देखिए कि कितना भयानक स्थिति बन रहा है पूरे विश्व में। इसके कारण आप देखिए कि अब तक जो यूरोप के अंदर बरसात हुई है उसके कारण आप देखिए कि पूरा यूरोप डूब चुका है। यूरोप के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। चाहे बात करें हम चीन की, तो चीन में भी स्थिति आप देखिए कि गंभीर बनी हुई है। चीन में भी चारों ओर आपको जल ही जल देखने को मिलेगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कई ऐसे राष्ट्र हैं जो आप देखिए कि जल के भीतर समाहित हो चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगातार इन राष्ट्रों में, यानी कि यूरोप के अंदर बरसात हो रहा है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे फिनलैंड की बात करें या फिर ऑस्ट्रिया की बात करें, ये जो राष्ट्र हैं पूर्णतः आप कह सकते हैं जल के भीतर डूब चुके हैं। इनमें इतना अधिक बरसात हुआ है कि आप देखिए कि ये खबर सत्य, आप इस खबर के प्रामाणिकता की भी जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार इन राष्ट्रों में बरसात हो रही है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो बरसात हुआ है उस कारण यूरोप के कई राष्ट्र जलमग्न हो चुके हैं। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि इन राष्ट्रों में 4 से 5 फीट तक जल जमाव हो चुका है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि इनमें वाहन चलाना भी कहीं ना कहीं कठिन कार्य हो चुका है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि लगातार यूरोप के अंदर जो बरसात हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक संकट बन करके आया है। आप देखिए कि लगातार यूरोप के अंदर जो बरसात हो रहा है उसके कारण पूरा यूरोप अभी त्रस्त हुआ है। और यदि हम भारत की बात करें, तो भारत में भी आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार बरसात होता चला जा रहा है। चाहे हम बात करें दिल्ली की, या फिर हम बात करें मुंबई की, राजस्थान में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में भी हाल ही में आप देखिए कि किस प्रकार से बादल फटा था जिस कारण वहां पर बाढ़ आया था। तो पूरे विश्व में अभी बाढ़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन चिंता का विषय बन रही है। लगातार बरसात जो हो रहा है उस कारण आप देखिए कि पूरा विश्व डूबने के कगार पर जा रहा है। यदि हम बात करें इन राष्ट्रों की, तो बाढ़ के कारण आप देखिए लगातार इन राष्ट्रों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे हम बात करें भोजन की, हम बात करें पीने योग्य जल की, या फिर हम बात करें रहने की, लोगों के घर कहीं ना कहीं डूब रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर खाने योग्य भोजन नहीं मिल पा रहा है, अनाज की कमी देखने को मिल रही है, पीने योग्य जल भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार जब बरसात होते चला जा रहा है तो उस कारण आप देखिए कि वहां पर एक कहीं ना कहीं बीमारी का भी खतरा मंडरा रहा है। तो आप देखिए कि यूरोप पर कहीं ना कहीं एक महामारी का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार यदि ऐसे ही बरसात होता रहा तो आप सोचिए कि वहां की स्थिति किस प्रकार से होगी। लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुके हैं बरसात के कारण, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाएं तो जाएं, क्योंकि उनके घरों में लगातार जल घुसता चला जा रहा है और उनका घर जो है पूर्णतः जलमग्न हो चुका है। तो लोग अभी तो ऊंचे स्थान की ओर जा रहे हैं, परंतु समय के साथ ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित रूप से यूरोप में एक आप कह सकते हैं महाप्रलय आ जाएगा, जिसके कारण लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूरोप के ऊपर एक भयानक स्थिति बन रही है, जिसे हमें समझना पड़ेगा कि भारत में ऐसी स्थिति यदि बन गई तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम तुलना यहाँ पर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर यदि बरसात हो जाए तो वो पूरी तरह से डूब सकते हैं। आपने देखा अभी केरल के वायनाड में जो घटना घटी थी, किस प्रकार से केरल का वायनाड जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से डूब गया था। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि देखिए, यूरोप के कई ऐसे शहर हैं या फिर महानगर हैं जहाँ पे 6 से 7 फीट तक जल भराव हो चुका है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि उन महानगरों में जो लोग रहते हैं उन पर क्या बीत रही होगी, उनके साथ क्या घटना घट रही होगी। और सबसे
हैरान करने वाली बात यह है कि जो ये बरसात हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार वहां पर बरसात होते चला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में एक बड़ा संकट दिख रहा है। तो देखिए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहण के बाद कहीं ना कहीं लगातार बरसात का आना एक आश्चर्यचकित करने वाला घटना है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं इसके बाद जल तांडव देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा का सीधे सीधे जुड़ाव जल से। आप देखिए कि चंद्रमा का कहा जाता है कि जब चंद्रमा आते हैं तो कहीं ना कहीं जल की वृद्धि करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महीने में दो पखवाड़े होते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो देखिए, जब शुक्ल पक्ष होता है, जब चंद्रमा इस धराधाम पर दिख रहे होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उस दौरान समुद्र का जो जल स्तर है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो देखिए, सीधे सीधे चंद्रमा का जुड़ाव कहीं ना कहीं जल के माध्यम से है, तो इसीलिए जब चंद्र ग्रहण यहाँ पर हुआ है तो जल का प्रकोप आप देखिए कितना भयानक हो गया है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चंद्रमा ने अपना राशि परिवर्तन भी किया है, और आप देखिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा रुष्ट भी हो चुके हैं, जिस कारण लगातार जल तांडव हमें देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात करें भारत की, या फिर हम बात करें पूरे विश्व की, या फिर हम बात करें यूरोप की, आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक सामान्य चीज जो इसमें देखने को मिल रहा है वो जल तांडव है। जल तांडव लगातार इन क्षेत्रों में आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो देखिए, शास्त्रों में भी बताया गया है कि चंद्रमा का जुड़ाव किस प्रकार से जल से है। तो चंद्रमा जब भी आते हैं, जब भी चंद्र ग्रहण होता है, तो आप देखिए उस दौरान या तो समुद्र में जल स्तर अचानक से बढ़ जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि जब जब चंद्र ग्रहण होता है तब तब किसी न किसी महानगर या फिर किसी न किसी राज्य में या फिर किसी न किसी राष्ट्र में आपने देखा होगा कि वहां पर जल तांडव देखने को मिलता है, चक्रवात देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि चंद्रमा का सीधा जुड़ाव जो है वो जल से है, और चंद्रमा जब भी आते हैं तो जल का प्रकोप लेकर के आते हैं, जल तांडव लेकर के आते हैं। अब देखिए, यूरोप के अंदर जो घटना घटी है या फिर भारत में जो जल तांडव आ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं शनिदेव का कुपित होना भी है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि शनिदेव कहीं ना कहीं कुपित हो चुके हैं, शनि ग्रह जो है वो वक्री हो चुके हैं, और उनके क्रोध के कारण आप देखिए कि प्रकृति जो है रौद्र रूप ले चुकी है। लगातार शनिदेव की कुदृष्टि इस धराधाम पर पड़ रही है, जिस कारण आप देखिए कि प्रकृति अपना रौद्र रूप लेते चली जा रही है, जिस कारण जल तांडव देखने को मिल रहा है, जिस कारण आप देखिए अग्नि तांडव देखने को मिल रहा है, वायु तांडव देखने को मिल रहा है। तो शनिदेव का वक्री होना ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्थितियां बना रही है। वैसे यदि हम बात करें तो न केवल शनिदेव, अभी तो आप देखिए कि सभी ग्रह कहीं ना कहीं कुपित हो चुके हैं। चाहे हम बात करें बृहस्पति की या फिर हम बात करें सूर्यदेव की, सभी ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस धराधाम पर लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चाहे हम बात करें प्राकृतिक परिवर्तन की या फिर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की, तो सभी प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको एक सामाजिक हिंसा भी देखने को मिल सकता है, एक धार्मिक हिंसा भी देखने को मिल सकता है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि जिस प्रकार से ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तित किया है, तो ये जो है लोगों के मति को भ्रष्ट करने का कार्य करेंगे। लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग माया में इतने उलझ जाएंगे, माया से इतने प्रभावित हो जाएंगे कि ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि उन्हें क्या करना है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको एक बड़ा धार्मिक हिंसा भी देखने को मिल सकता है, जो कि संभवतः ये भी हो सकता है कि भारत से ही इसका शुरुआत हो सकता है, भारत से ये प्रारंभ हो सकता है, और फिर ये पूरे विश्व तक जा सकता है। अभी देखिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन भी रही है। हमने बांग्लादेश के अंदर देखा कि किस प्रकार से वहां पर एक धार्मिक हिंसा भड़की थी, किस प्रकार से लोग वहां पर सड़कों पर आए थे। तो देखिए, यहां पर प्रश्न ये है कि आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। तो देखिए, हम अभी युग परिवर्तन के दौर में जीवन यापन कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी का यही कहती है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होगा, वैसे वैसे आप ऐसी घटनाएं देखते चले जाएंगे, प्राकृतिक घटनाएं देखते चले जाएंगे। तो इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि युग परिवर्तन अभी हो रहा है, और हम जो है कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सतयुग की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिए कि प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रौद्र रूप लेती चली जा रही है, जिस कारण आप देखिए कि या तो धार्मिक हिंसा हो रहा है, या फिर कोई ना कोई सामाजिक आप देखिए कि हिंसा भड़क रहा है, या फिर प्रकृति में आप देखिए कि बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो युग परिवर्तन का यह जो दौर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भविष्यवाणी भी कहती है कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है वो युग परिवर्तन का समय रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम किस दृष्टिकोण से इस पूरे विश्व को देखते हैं, या फिर हम अपने समाज को देखते हैं, या फिर हम अपने राष्ट्र को देखते हैं। जैसा हमारा दृष्टिकोण रहता है, वैसे ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आपकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो आज तक सत्य नहीं हुई हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से बाढ़ आने वाला है, तो आप देखिए कि आज तो हमारे समक्ष
प्रमाण भी आ गया कि यूरोप किस प्रकार से डूब रहा है और देखिए भारत के कुछ हिस्से किस प्रकार से डूब रहे हैं। तो अब हमारे समक्ष कहीं ना कहीं प्रमाण आ चुका है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसा ही विश्व आपको दिखता है। देखिए इसीलिए संभवतः बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, क्योंकि तुलसीदास जी यही कहना चाहते थे कि जिसकी जैसी दृष्टि रहती है वो विश्व को वैसे ही देख। एक नकारात्मक व्यक्ति विश्व को सदैव नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखेगा, एक सकारात्मक व्यक्ति सदैव विश्व को सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखेगा। तो अपनी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से विश्व को देखते हैं, किस प्रकार से समाज को देखते हैं, किस प्रकार से प्रभु को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो जैसे जैसे हम परमात्मा के निकट चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे परमात्मा के समीप चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा बचाव होता चला जाएगा। वैसे वैसे हम धीरे धीरे हमारे अंदर जो विकार है वो निकलते चले जाएंगे और एक दिन हम पूर्ण स्वच्छ होकर परमात्मा के चरणों में स्वयं को समर्पित कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि पूरा विश्व किस प्रकार से खतरे में जाने वाला है और यूरोप किस प्रकार से डूब रहा है। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।